हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा दुनिवाल और आज वी आर हेयर अगेन विद सेकंड चैप्टर जो हमने ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की थी। आई होप आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो समझ आया होगा थोड़ा तो, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज समथिंग जिसमें हमें पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और एज वी आर हेयर विद सेकंड चैप्टर, तो बिफोर स्टार्टिंग just a general overview and review, that please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and as we'll get your response we'll keep on updating the things. Okay, so let's start. Before starting also, just one more, that if you want to contact to Vyesh, all you can do is through Facebook, YouTube and Gmail, and the best thing will be aap 7200681675 pe directly Vyesh se contact कर सकते हैं। एंड एज आई ऑलरेडी सेड इन माई फर्स्ट वीडियो, दैट ये वीडियोज हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट है एंड एज पर द स्टूडेंट डिमांड ये सीरीज लाई गई है। सो जस्ट ट्राई दैट यू वॉच इट, यू शेयर इट एंड ऑल्सो शेयर कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा विद वैश एंड वॉट यू फील अबाउट इट। जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। So today we are starting with second chapter of geography. NCERT का हम second chapter start कर रहे हैं। तो second chapter will be covered in unit 2 जिसका नाम है the earth। उसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं कि earth का origin कैसे हुआ, evolution कैसे हुआ, इसमें अलग अलग हम theories देखेंगे थोड़ी थोड़ी। Then उसके next chapters में हम interiors of earth देखेंगे and Wegener's की continental drift theory, ये main है। और एक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनो की अर्थ के जो प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट है उसके कारण क्या क्या हो रहा है। सो वील डू ऑल दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर विच इज कवर्ड इन यूनिट 2 और इसका नाम है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही हम सबसे पहले अर्ली थ्योरीज देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ में किसने क्या क्या थ्योरी दिया। तो इमैनुअल कांट वाज द समबडी who gave the theory for this origin of earth. इन्होंने क्या बोला था, इनका basically जो theory था that was basically the gaseous hypothesis. इन्होंने यूँ बोला कि जो earth है वो एक slowly rotating cloud of gas है, तो हमने इनकी theory को नाम दे दिया gaseous hypothesis. ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ not the perfect but जनरल उन्होंने हाइपोथेसिस दे दिया कि हाँ ठीक है ये एक रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैस है। देन उसके बाद लाप्लास ने उसी थियरी को रिवाइज किया, ठीक है, 1796 में। तो उस थियरी का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो लाप्लास की थी, दिस वाज बेसिकली अर्लीस्ट और सबसे पॉपुलर थी। इनका क्या कहना था कि जो सन है, रोटेटिंग सन है जो बहुत स्लो स्पीड में रोटेट कर रहा है, उसके आसपास जो भी मटेरियल है उसका एक क्लाउड बन जाता है और उसी मटेरियल, क्लाउड ऑफ मटेरियल को इन्होंने प्लैनेट बोल दिया। ठीक है, इमैनुअल कांट ने जो बोला वो गैसियस हाइपोथेसिस था, लाप्लास ने उसे रिवाइज करके नेबुलर हाइपोथेसिस को इन्होंने बोल दिया कि जो सन के अराउंड जो भी मटीरियल है उसका क्लाउड इज द प्लैनेट। फिर उसके बाद हमारे आते हैं चैम्बरलेन एंड मॉल्टन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बेसिकली बोला वेंडरिंग स्टार एंड सिगार शेप मटेरियल। देखो, इन्होंने, इनका कहना था कि एक वेंडरिंग स्टार ने सन, एक वेंडरिंग स्टार सन के पास किया, मतलब वेंडरिंग स्टार अप्रोच द सन, उसके रिजल्ट से क्या हुआ, एक सिगार शेप मटेरियल बन गया जो कि सेपरेट हो गया सोलर सिस्टम से। ठीक है, और जैसे ही वो सोलर सिस्टम से सेपरेट हुआ, एज पासिंग स्टार मूव्ड अवे, ठीक है, जो उसके अराउंड मटेरियल रिवॉल्व हो रहा था वो कंडेंस हो गया अराउंड सन और उसी को इन्होंने प्लैनेट कह दिया। समझेगा, वापस, वेंडरिंग स्टार सन के पास गया, उसके रिजल्ट से एक सिगार शेप मटेरियल बन गया, जो सिगार शेप मटेरियल था वो सेपरेट हो गया सोलर सिस्टम से, और जैसे जैसे वो जो पासिंग स्टार दूर होता गया वो मटीरियल जो रिवॉल्व हो रहा था वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगा, और जो वो मटेरियल कंडेंस होके अराउंड द सन जो मटेरियल कंडेंस हो रहा था वही कंडेंस होके क्या बन गया, प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद आती है स्कैमिडिस एंड वेजेस्कर की। इन्होंने भी बेसिकली
रिवाइज ही किया था. ठीक है, इनका क्या कहना था, 1915 में इन्होंने रिवाइज किया था नेबुलर हाइपोथेसिस को. इन्होंने बोला कि सन के अराउंड एक सोलर नेबुला है. क्या? सन के अराउंड एक सोलर नेबुला है जो किस चीज का बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम डस्ट का. ठीक है, और जो हाइड्रोजन एंड हीलियम डस्ट है वो फ्रिक्शन है, उसमें फ्रिक्शन एंड कोलिजन होता है. ठीक है, और जो फ्रिक्शन एंड कोलिजन के कारण एक डिस्क शेप क्लाउड बन गया, उस डिस्क शेप क्लाउड के ही एक्रीशन के प्रोसेस से, समझ रहे हो, उस डिस्क शेप क्लाउड के एक्रीशन के प्रोसेस से प्लैनेट बना. अब एक्रीशन क्या होता है, आप इसे बेसिकली कहते हैं लेयर बाय लेयर ग्रोथ जो होती है उसे एक्रीशन कहते हैं. ठीक है, तो इनका वो कहना था कि सन के अराउंड जो सोलर नेबुला है जो हाइड्रोजन एंड हीलियम और डस्ट का बना हुआ है, उनमें फ्रिक्शन एंड कोलिजन होता है जिसके कारण एक डिस्क शेप क्लाउड बन जाता है, और वो डिस्क शेप क्लाउड जो है वो विद द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन डेवलप्ड इनटू अ प्लैनेट. ये बेसिकली अर्ली थ्योरीज थी कांट की, लैपलेस की, चैम्बरलेन की एंड रजिस्कर की. ठीक है, गैसेस हाइपोथेसिस से ये नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस फॉर देन विंडरिंग स्टार, विंडरिंग स्टार से सोलर नेबुला. इसमें आप एक्रीशन प्रोसेस याद रखिएगा, इजी रहेगा याद करने को. देन आती है हमारी मॉडर्न थ्योरीज. ठीक है, बिग बैंग थ्योरीज तो बहुत पॉपुलर है, सबने ही सुना हुआ है. मॉडर्न थ्योरी में देखो क्या होता है, जो ये थी ना पुरानी थ्योरीज, दे वर टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ अर्थ, ध्यान रखना. ठीक है, अर्ली थ्योरीज बात करी थी ओरिजिन ऑफ अर्थ का, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी आई उसने अर्थ के बारे में ही नहीं, केवल अर्थ के बारे में नहीं, उसने बात करना चालू किया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, उन्होंने बोला कि अर्थ के साथ साथ पहले ये देखो यूनिवर्स कैसे आया, तो ये थोड़ा वाइड हो गया, या बोल सकते थोड़ा वाइड स्प्रेड था, थोड़ा एडवांस था. ठीक है, और इसे बिग बैंग थ्योरी एडविन हबल ने दी थी, और इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं. ठीक है, हाइपोथेसिस से आप समझ रहे होंगे कि नॉट एग्जैक्टली अप टू द मार्क. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली द सेम व्हाट दे मेंट. ओके, तो हम इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, बट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी से. एडविन हबल ने जो दी थी उसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं. देखो, एडविन हबल ने 1920 में ये एविडेंस दिया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और जैसे जैसे टाइम पास होता गया गैलेक्सी और बढ़ती गई और बढ़ती गई. देखो, बलून एक्सपेरिमेंट आप करके देखेगा, जैसे एक छोटा सा बलून लेके उस पर तीन डॉट बनाइएगा, तीन सर्कल्स बना दिएगा, फिर जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते जाएंगे वो आप डॉट देखेंगे, वो डॉट एक्सपैंड होते जाएंगे. तो उन्होंने एक बलून एक्सपेरिमेंट दिया था. ठीक है, जब बिग बैंग थ्योरी थी ना, इसने देखो फॉलोइंग स्टेजेस दिए कि जो यूनिवर्स डेवलप हो रहा है उसमें कुछ कुछ स्टेजेस हैं. उन्होंने क्या बोला, बिगनिंग में क्या होता है कि एक टाइनी बॉल बनती है, सिंगुलर एटम बनता है जिसका वॉल्यूम भी कम होता है पर टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब क्या हुआ, जो एक टाइनी बॉल था ये एक्सप्लोड हो गया, ये फट गया बहुत वॉयलेंटली, जिससे क्या हुआ, इसका ह्यूज एक्सपेंशन हुआ. ठीक है, हम जनरली ये मानते हैं कि जो बिग बैंग हुआ था वो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था प्रेजेंट से. ठीक है, बट जो एक्सपेंशन है वो आज भी हो रहा है प्रेजेंट डे में. तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, मैटर में. ठीक है, तो बेसिकली मतलब पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन थे, बट यू बोला जाता है कि फर्स्ट 3 मिनट्स ऑफ बिग बैंग जो थे, ठीक है, द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट होता गया होता गया होता गया. तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या है कि गैलेक्सी के बीच में आप ये बोल सकते हो कि जो गैलेक्सी का है उनके बीच में स्पेस बढ़ना, इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी, तो उसे आप एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये था बिग बैंग थियरी जिसके हमें 3 स्टेज आते हैं, टाइनी बॉल, एक्सप्लोजन, एनर्जी इनटू मैटर, और यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट. ठीक है, 30,000 ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया और एटॉमिक मैटर को उसने राइज दे दिया. ठीक है, फर्स्ट 3 सेकंड में ही फर्स्ट एटम तो बन गया था. ठीक है, अब देखो बिग बैंग थ्योरी का एक ऑल्टरनेटिव ये बुक में कंसेप्ट दिया हुआ था, तो लेट्स नॉट स्किप इट. एक हॉयल्स कंसेप्ट है, बेसिकली एक स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है बट कॉन्स्टेंट डेंसिटी से. ठीक है, अब देखो ये आप देख लीजिएगा, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो थोड़ा ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको बिग बैंग थ्योरी का. अब देखते हैं हम स्टार फॉर्मेशन. देखो मैंने क्या बोला कि
होयल्स को भूल जाना, उन्होंने तो स्टेडी स्टेट बोला था. क्या होता है कि मैटर और एनर्जी का ऐसा तो नहीं है इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. तो अगर अनइवन किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किसी ना किसी चीज में डिफरेंस आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैटर और एनर्जी का है तो डेंसिटी का डिफरेंस आएगा. अब डेंसिटी का डिफरेंस है तो वहां पे लगने वाले फोर्स में डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस आ गया. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंस आता है तो उससे क्या होता है, मैटर जो होता है वो साथ साथ बढ़ने लगते हैं. ठीक है, अब जैसे जैसे मैटर बढ़ता गया उसने एक नींव क्रिएट कर दी गैलेक्सी के डेवलपमेंट की. अब आपको पता ही है गैलेक्सी में लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं. अब स्टार्स क्या है, देखो एक्युमुलेशन जब होता है हाइड्रोजन गैस का तो जो क्लाउड है वो बेसिकली नेबुला है. उसमें क्या होता है, क्लम्स ऑफ गैसेस होता है जो डेंसर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. ठीक है, और उसी से क्या बन जाते हैं हमारे स्टार्स. ठीक है, स्टार्स हम डिस्टेंस जो देख हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो लाइट ईयर में करते हैं. ठीक है, और बेसिकली ये किसका मेजरमेंट है, डिस्टेंस का, टाइम का नहीं. तो स्टार फॉर्मेशन समझ आया, मैटर एनर्जी डेंसिटी डिफरेंस फोर्स डिफरेंस, मैटर ग्रो करेगा उससे गैलेक्सीज डेवलप होगी और गैलेक्सी में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स है. अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस का एक्युमुलेशन, उससे क्लाउड बनता है जिसे हम नेबुला कहते हैं, जिसमें गैसेस होती हैं, वो गैसेस डेंसर होती जाती हैं और उससे क्या बनता है, स्टार. ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट देखो क्या होता है. हमने बात करी फाइनली यहाँ पे क्या था, स्टार लोकलाइज लंप ऑफ गैस है, क्लम्स ऑफ गैस बोल सकते हो. तो यहाँ पे बोल दो कि जो स्टार्स है वो लोकलाइज लंप्स ऑफ गैस है, किसके अंदर, नेबुला में. नेबुला क्या था, क्लाउड. ठीक है, अब देखो तो उससे क्या होता है, अब जो हमने बात की थी कि एनर्जी और मैटर का डिफरेंस हो रहा है तो डेंसिटी का भी डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी डिफरेंस आ रहा है, तो जो लंप्स ऑफ गैसेस है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. अब ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड द लंप्स लग रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है उसमें कोर बन जाएगी, जो गैस क्लाउड है उसके अंदर एक कोर बन जाएगी, सेंटर पॉइंट बोल लो. ठीक है, तो जो कोर है उसके चारों तरफ क्या बनने लगेगा, गैस और डस्ट उसके चारों तरफ कवर करने लगेगा. अब वो जो चारों तरफ गैस और डस्ट क्रिएट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे. और जो अंदर हमने बात करी थी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो कोर बनी थी उसके अंदर क्या होगा, वो एक छोटे 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 से स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट में वो डेवलप होने लग जाएगा, उससे कोहेजन एक प्रोसेस होगा और उन्हें हम बोल रहे हैं प्लैनेट सिमिल्स. फिर होता है कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन, किसमें, ये जो मैटर कोर के अराउंड जो डेवलप हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं. ठीक है, अब कोलिजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा. ठीक है, अब प्लैनेट सिमिल जो हमें बात कर रहे थे कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बॉडीज हैं ये. ठीक है, बहुत सारी. अब प्लैनेट सिमिल्स में अट्रैक्ट अक्रीशन प्रोसेस होता है जो हम पीछे देख के आए, लेयर बाय लेयर जो ग्रोथ होती है और उससे क्या बन जाता है, प्लैनेट. आई होप यू गेट इट. वीडियो वापस देखिएगा, पॉज करिएगा एक बार, इस प्रोसेस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स की जैसे पढ़िएगा एंड समझेगा. और इफ नहीं समझ आता तो कम बैक टू वीडियो, यहाँ से समझो देन गो एंड रीड इट बैक इन द बुक. वैसे बुक की हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, वी हैव ट्राइड आर बेस्ट कि नहीं बेस्ट ऑन बेस्ट प्रोवाइड करें. तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल्सो कि आप भी वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे. ठीक है, शेयर भी करिएगा अच्छे से. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब सोलर सिस्टम में पता ही है 8 प्लैनेट्स, मून्स, बहुत सारे स्मॉलर बॉडीज, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स ही हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज देख लो, टेरेस्ट्रियल्स प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं जो अर्थ के जैसे दिखते हैं, अर्थ लाइक बोलते हैं, अर्थ के जैसे नहीं अर्थ लाइक. ठीक है, जोवियन होते हैं जो जुपिटर लाइक होते हैं. मर्करी वीनस अर्थ मार्स, ये है इनर प्लैनेट सन के पास वाले. ठीक है, जिनमें क्या है अट्रैक्शन बोल लो या वो बोल लो, अभी हम बात करते हैं, रुको. ठीक है, मर्करी वीनस अर्थ मार्स. ठीक है, तो ये होंगे इनर प्लैनेट्स जो किस किस के बीच में, सन और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में. एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बाद आ रही है, मार्स. ठीक है, और नेक्स्ट देखो अदर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट. मर्करी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपट्यून, तो ये लास्ट स्टार वाले क्या हो गए, आउटर प्लैनेट. ठीक है, तो फर्स्ट फोर को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल,
इनकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा ही ऑफकोर्स अंदर की साइड है, अंदर की साइड से मतलब इनर साइड टू द सन, ठीक है। और नेक्स्ट है जुपिटर, जोवियन प्लैनेट्स, ये लार्जर है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से, इनका एटमॉस्फेयर थिक है, जैसे कि वो रॉक और मेटल के बने हुए इनर प्लैनेट, ये किसके बने हुए, हीलियम एंड हाइड्रोजन के, ठीक है। देखो डिफरेंस देख लो थोड़ा सा, विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार देखते हैं हम, ठीक है, और जोवियन प्लैनेट्स बहुत डिस्टेंस पे है, सोलर विंड्स ज्यादा कहाँ होगी, ऑफकोर्स जो उनके सन के पास है, ठीक है, तो वो बहुत सारी गैसेस डस्ट सब उड़ा ले जाता है टेरेस्ट्रियल की, जोवियन दूर है तो सोलर विंड वहां पे कम इंटेंस होगी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट छोटे हैं, देयर लो ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड एस्केपिंग गैस, ठीक है। आगे आ जाओ मून, सर जॉर्ज डार्विन ने इनिशियली सजेस्ट किया था कि अर्थ और मून एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी है, बट ये माना जाता है कि एक जायंट इम्पैक्ट हुआ था, एक प्रोसेस था जिसे हम बोलते हैं बिग स्प्लैश, ठीक है, एक बहुत बड़ी सी बॉडी थी जो मतलब 3 times मान लो मार्स से, वो किससे टकराई, अर्थ से टकराई, ठीक है, अर्थ के फॉर्म होने के बाद, ठीक है, और क्या हुआ, वो अर्थ का बहुत लार्ज पार्ट ब्लास्ट कर गई, ठीक है, और जो ब्लास्टेड पार्ट था वो किसके अराउंड घूमने लगा, सन के अराउंड घूमने लगा, और वो ही क्या बन गया, मून। देखो ऐसे प्रोसेस समझो, कुछ ना कुछ रिमूव होगा, वो घूमता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, वो एक क्लाउड बन जाएगा, और इवेंचुअली वो ही किस में डेवलप हो जाएगा, जिस प्रोसेस को आप पढ़ रहे हो। तो एक चीज ध्यान रखना, मून इज दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के पास। नेक्स्ट आ जाओ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन में ऑफ अर्थ में हम क्या पढ़ते हैं कि 4,600 million से प्रेजेंट तक का, आपको पता है अर्थ एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे अर्थ का कोर, मेंटल, ठीक है, क्रस्ट, उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे अर्थ का लेयर स्ट्रक्चर जितना एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है। एज यू नो दीज, ये हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट है, तो वी आर नॉट लीविंग एनीथिंग, ठीक है, हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करके ही ज्योग्राफी का एडवांस वर्जन लेके जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाओ इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जैसे मैंने बताया कि डेंसिटी और टेम्परेचर में इंक्रीज होता है, तो मतलब लेयर बनती जाती है, कुछ सिंक होता है, कुछ कूल होता है, कुछ सॉलिडिफाई होता है, क्रस्ट के अलग अलग फॉर्म है, डिफरेंशिएशन आता है। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है इस पार्ट का, ठीक है, जो पीछे हम पढ़ के आए वो उतना पढ़ना है आपको, ठीक है, थ्योरीज पढ़ना, क्योंकि देखो अगर ये थ्योरीज पढ़ लोगे तो आगे आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह ये थोड़ी लिंकिंग बन जाएगी चीजों की, कि अच्छा अर्थ ऐसे बना था। आई बिलीव कि अगर बैकग्राउंड आपका ठीक रहता है ना तो थोड़ा ठीक जाता है, ओके। ये हम आगे के चैप्टर्स में डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, लिथोस्फेयर पूरा पढ़ेंगे, एटमोसफेयर की लेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर का इनिशियल इंटरनल वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आई बिलीव दिस इज दी मोस्ट बोरिंग बोलूंगी बच्चों के लिए, बिकॉज पीपल डोंट स्पेंड टाइम ऑन इट, ठीक है, इस पर आप टाइम स्पेंड नहीं करते, समझ रहे हो, तो पता ही होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, जियोलॉजिकल डेटिंग होती है, बेसिकली हम टाइम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जियोलॉजिकल डेटिंग किस चीज की होती है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है, स्ट्रैटिफिकेशन देखो क्या होता है, लेयर बाय लेयर आप समझते हैं, तो रॉक्स की क्या होती है, लेयर्स को ही पढ़ते हैं हम, आगे पढ़ेंगे रॉक लेयर भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो रॉक्स के लेयर्स होती है, तो जिस लेयर्स में जो जो मटेरियल मिलता जाता है उसको उस पीरियड से डिफाइन किया जाता है। तो देखो इऑन में क्या होते हैं, सबसे बिगर इनका यू आप सर्कल बोल सकते हो, सबसे बिगर आप यूनियन बोल सकते हैं इऑन की, इऑन में बहुत सारे एराज होते हैं, एराज में बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है, पीरियड्स में बहुत सारे एपॉक्स होते हैं, समझ आ रही है बात। If you want, तो this topic can be dealt in detail. अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसका हम एक सेपरेट टॉपिक बना देंगे, जिसमें कुछ ट्रिक्स के साथ मैं आपको पूरी जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए याद करा दूंगी। बिलीव मी दिस विल बिकम द ईजीएस्ट पार्ट, बिकॉज स्टूडेंट देखो अभी इन फ्लो तो हमें याद रह जाती हैं चीज़ें, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये मैं तो भूल जाती थी, सो बट आफ्टर लर्निंग विद द ट्रिक्स थोड़ा क्या बहुत इजी हो गया, एक्सट्रीमली इजी हो गया। तो इफ अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है इस पे,
तो हम एक 10-15 मिनट्स का डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, जिसमें हम पूरा आपको लर्न करवा देंगे कि ठीक है ये बात होता है. ठीक है, वैश की अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे ना, तो हाँ मैं ये बता देती हूँ पहले, अगर वैश की आप टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे तो उसमें वो आपको चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं. मतलब वो चार्ट ऐसी ऐसी चीज का प्रोवाइड करेंगे जो हमें अगर हम इंडिविजुअली बनाने बैठे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा उस चार्ट, मतलब इतनी सारी डिटेल को एक छोटे से पेपर में लेके आना. तो वैश आपको वो भी प्रोवाइड करता है आपके टेस्ट सीरीज में. ऑलमोस्ट 50+ चार्ट्स मिलते हैं उसमें, तो मतलब कमी नहीं है. बट बहुत सारे डेटा को एक कंसोलिडेटेड शीट में लेके आना इज अ बिग टास्क. तो वैश पे आप अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट दोज थिंग्स. तो बट हाँ, अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वील मेक श्योर कि हम आपको एक वीडियो डेडिकेटेडली जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे ला के दे देंगे. ठीक है, अब देखो फेनेरोजोइक ईयन हमारा प्रेजेंट वाला है. हम क्वार्टरनरी पीरियड को बिलोंग करते हैं और सेनेजोइक एरा को बिलोंग करते हैं प्रेजेंटली, और फेनेरोजोइक ईयन को. ठीक है, अब इनको प्री कैम्ब्रियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो फेनेरोजोइक का सबसे पहला वाला पीरियड जो है वो कैम्ब्रियन है, तो उससे पहले पीरियड्स को हमने क्या बोल दिया, प्री कैम्ब्रियन. ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लो हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, फेनेरोजोइक. ठीक है, पहले जॉइक, मीजोजॉइक, सेनेरोजॉइक. ठीक है, पहले जॉइक में आ जाता है कैम्ब्रियन, मतलब यू हैव टू रीड इट इन अ, मतलब नीचे से आप रीड करते हो चलिए. और देखो ये सब याद करना बहुत जरूरी है, जैसे डायनासोर्स कब आए, आपके रैबिट्स, रैप्टाइल्स कब आए, तो ये काफी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो आपका रिस्पॉन्स रहता है तो वील मेक श्योर कि आपके लिए विद ट्रिक्स हम ये वीडियो लेके आ जाए. ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ गया है, तो पढ़ लेना इसको. ठीक है, कि कौन से पीरियड में, ये देखो यहाँ पे इसने ये भी बताया हुआ है कि बिग बैंग हुआ, फिर हेडियन एओन, उसके बाद आर्कियन, प्रोटोजॉइक, फेनेरोजॉइक हम अभी जो पढ़ के आए हैं, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन से पहले वाला प्री कैम्ब्रियन. ठीक है, पहले जॉइक, मीजोजॉइक, सेनेजॉइक, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशन, सैल्यूलर इंटरवेनियन, कार्बोनिफेरस, परमेनियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्शियरी, क्वार्टरनरी और होलोसीन, प्लेस्टोसीन, क्वार्टरनरी पीरियड में हम प्रेजेंटली जी रहे हैं, होलोसीन इपॉक. ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया है ये वीडियो. ये रीड करिएगा मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस, और आप जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो वील ब्रिंग इट जल्द से जल्द. ओके, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. देखिए हर वीडियो के एंड में हम जैसे बोलते हैं आपको, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन मिलता है, आपसे कनेक्ट हो पाते हैं कि ठीक है समबडी देयर जो हमारा वीडियोस जिसके लिए यूजफुल है. ठीक है, वो वेट कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो का. ओके, एंड वी ट्राई कि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको वे में समझा सके, डिलीवर कर सके. देखो जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे इनकी क्वालिटीज भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि कंटेंट क्वालिटी है. ओके, कंटेंट वैसा आ जाएगा कि हमें समझाने में आपको ईज रहेगा. तो देखो सब पढ़ना इसमें, डोंट मिस दीज ब्रेन व्हाट वी कॉल इट चार्ट्स इन ऑल. ओके, एंड वंस अगेन आपको वाइस सर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे एनी टाइम जस्ट टेक्स्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट मैसेज. ओके, और उसके अलावा आप वैश की और भी प्लेलिस्ट हैं जो अवेलेबल हैं, तो गो एंड वॉच इट. आप सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं अभी. और वैश अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो ट्राई करेगा मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम यूपीएससी कंटेंट आपको दे दे. ऑल यू हैव टू डू इज फिर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना रहेगा जो कि पेड है. तो आप वैश से कॉन्टैक्ट करिए, आपको एक दो टेस्ट हैं जो फ्री भी मिलते हैं, तो आप ट्रायल टेस्ट लेके देख लीजिए, आपको ब्रेन माइंड मैप्स मिलते हैं उसमें, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो. सो थैंक यू गाइज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. हैव अ गुड डे, बाय बाय.